नमस्कार, जय जय सियाराम। पूजा पाठ के यूट्यूब परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। नवरात्रि में अथवा सप्त दिवसीय या नव दिवसीय जो अनुष्ठान होते हैं, उन अनुष्ठानों में हम अपने कार्य की सफलता के लिए अखंड रूप से दीपक प्रज्वलित करते हैं, जिसे हम अखंड ज्योति कहते हैं। उस अखंड ज्योति के लिए जो हमें बत्ती लगती है, उसका चुनाव बड़ी ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। कई लोग होते हैं जो मौली धागा से अखंड ज्योति की बत्ती बना देते हैं। ये देखिए, मौली धागा में लाल और पीले रंग का जो है धागा लगा हुआ है, और शास्त्र कहते हैं रक्तवर्ति समायुक्तम अथवा श्वेतवर्ति समायुक्तम। लाल कलर की बत्ती होनी चाहिए अथवा सफेद रंग की बत्ती होनी चाहिए। और मौली धागा में कई बार तो ऐसा होता है कि लाल, पीला और हरे रंग का भी जो है प्रयोग कर लिया जाता है। इसलिए मौली धागा की बत्ती नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पीले रंग का तो शास्त्रों में कहीं वर्णन है ही नहीं, और हरे रंग का प्रयोग बत्ती के स्वरूप में तो दूर दूर तक नहीं करना चाहिए। ये देखिए, जो हमने ये बत्ती बनाई हुई है, ये लंबी बत्ती है और रुई के माध्यम से बनाई हुई है। इतनी अच्छी तरह से बनाई हुई है कि ये 9 दिन तक जो है आराम से चलेगी। और ये जो छोटी वाली बत्ती है, ये एक दिवसीय अनुष्ठानों के लिए हमने बनाई है, ताकि जो है एक दिन के स्वरूप में भी जब अनुष्ठान किए जाएं, तो इसी तरह से एक दिन की अखंड ज्योति इस बत्ती से प्रज्वलित रहे। आइए आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि रुई के माध्यम से किस तरह से अच्छी और दिव्य बत्ती बनाई जाए। इससे पूर्व हम आपसे यह निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए इस वीडियो को आरंभ करते हैं। बत्ती बनाने से पूर्व हमें रुई का चयन करना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से आपको लंबी वाली रुई लेनी है, ना तो आपको हॉस्पिटल वाली रुई लेनी है और ना ही गद्दे वाली रुई लेनी है। इस तरह से लंबी वाली रुई पूजा के लिए सबसे उत्तम और उपयुक्त होती है। इससे जो है हम बत्ती जब बनाते हैं तो बड़ी ही अच्छी और सरल तरीके से बत्ती बन जाती है। रुई का हम इस तरह से पहले जो है एक लंबा टुकड़ा ले लेंगे, लगभग एक हाथ लंबा यह टुकड़ा होना चाहिए, और इसी टुकड़े से एकदम पतला पतला जो है अब हमें रुई निकालना है। देखिए, इस तरह से जो है हम एकदम पतला पतला रुई का एक भाग निकाल लेंगे, जितना पतला हो सकता है। बाद में इसे हम और भी पतला करेंगे, पर अभी टूटने ना पाए, बस इतना पतला हमको रखना है। ये देखिए, इस तरह से इसके जो है अब हम दो भाग करेंगे। अगर रुई आप ज्यादा पतली ले रहे हैं तो ही अच्छा है आपके लिए। इससे आपकी जो बत्ती है, जो बत्ती बनकर निकलेगी, अर्थात जो परिणाम निकलेगा बत्ती के स्वरूप में, वह बहुत ही पतला और बराबर होगा। देखने में भी वह बहुत अच्छा होगा और प्रज्वलित होने में भी वह बहुत ही अच्छी तरह से प्रज्वलित होगा। इसलिए जितना पतला हो सके प्रयास कीजिए कि उतना पतला आप रुई जो है इस तरह से दो भागों में विभाजित कर लीजिए। अब जो है इस, देखिए, ये दो रुई के भाग निकल आए हैं, तो अब हमको क्या करना है कि इन दोनों को एक साथ जोड़ देना है और लंबा करना है। तो ये जो बीच वाला भाग है, इसमें इसको जोड़ देना है और लंबा कर लेना है, क्योंकि हमारी बत्ती जो है लंबी होनी चाहिए। इसके बाद इस तरह से हल्के हाथों से, ध्यान रखिए, हल्के हाथों से इस तरह पूरी बत्ती को एकदम हल्के हाथों से इसी तरह से बत्ती को बना लेना है। ये देखिए किस तरह से कर रहे हैं हम, ये इस तरह से पूरी बत्ती को एकदम हल्के हल्के हाथों से
बस इसी तरह से पूरी लंबी बत्ती पहले बना लेना है। अब जो है हमें बत्ती को बटना आरंभ करना है। एक मित्र की सहायता से अथवा किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता से इस तरह से बत्ती को पकड़ा दिया जाए एक साइड में, और दूसरे साइड से बत्ती को एक ही तरफ लगातार घुमाते रहना है और लगभग 5 से 7 मिनट तक घुमाना है। ये देखिए अभी हम आपको दिखा रहे हैं इसलिए नजदीक लिए हैं, परंतु इसको नजदीक नहीं रखना है। ये देखिए एक ही तरफ घुमाना है, इसको जो है एकदम हल्का हल्के हाथों से टाइट रखना है ताकि बत्ती में ये जो रुई का धागा है इस धागा में कहीं भी गांठ ना पड़ने पाए। एकदम इसको धीरे धीरे हाथों से बटना आरंभ करना है, और जितना आप इसको बटते जाएंगे एक ही तरफ मोड़ते जाएंगे उतनी ही इसमें मजबूती आती जाएगी। तो आपको इसको एकदम से फिर टाइट रखना है। ध्यान रखें एक तरफ ही आपको लगातार इसको बटना है, और 5 मिनट तक जितना मतलब उसमें संभव हो उतना आपको बटते रहना है। ये बत्ती हमारी पूरी बट दी गई है। अब करना ये है कि बीच वाला जो भाग है उसका आपको अनुमान करना है कितना होगा, और उस बीच वाले भाग को इधर से आपको मिला देना है। ये देखिए, और धीरे धीरे एक ही दिशा में इस तरह कर देंगे, वो अपने आप ही जो है बत्ती पूरी एकत्र हो जाएगी और अच्छे से बन जाएगी। उसको बस जो है आप फाइनल शेप देंगे इस तरह से, एक साइड से जो है इसको फिर से आप हल्के हाथों से बट दीजिए, वो फाइनल शेप में आ जाएगी। एकदम हल्के हाथों से करना है, और देखिए कितनी सुंदर बत्ती बनी है, अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए यह है इसका अंतिम स्वरूप, यह जो है अब बनकर तैयार हो गई है। एक हाथ की पूरी बत्ती है, हम हाथ से नाप कर आपको दिखाते हैं। ये पूरी एक हाथ की बत्ती है ये इस तरह से, क्योंकि हमने इस तरह से इसको बनाया है कि ये एक हाथ की हो, क्योंकि 9 दिन तक इसको हमें प्रज्वलित करना है। एक विशेष बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो आगे वाला भाग है, ये जो आप देख रहे हैं पतला है, इस भाग को आगे की ओर रखना है, और वो हल्का जो मोटा भाग लग रहा है इसे जो है पीछे की ओर रखना है। अब हम आपको यह भी बताते हैं कि बत्ती रखना किस प्रकार से है। ये देखिए हमारे पास मिट्टी का दिया है, और इस दिया में बत्ती रखना यह भी एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। हमारी ये जो बत्ती बनकर तैयार हुई है इसको हम पीछे की तरफ से इस तरह से गोला आकृति देते जाएंगे। ये देखिए इसी तरह से घुमाते हुए बत्ती को गोला आकार में कर लेना है, और इस तरह से बनाने के बाद हमको अब जो है बत्ती दीपक में रखनी है। इस तरह से बत्ती रखनी है, ध्यान दीजिए इस तरह से बत्ती हम रख देंगे। ये देखिए इस तरह से जो है बत्ती आपको रखनी है, और बत्ती रखने के बाद आपको एक रहस्य की बात बताते हैं कि उसमें करना क्या है। आपको थोड़े से चावल लेने हैं, और चावल जो है बत्ती के चारों तरफ इस तरह से रख देना है, और ऊपर भी हल्का हल्का चावल रख देना है। इसी तरफ से जो है बत्ती के चारों तरफ हो जाना चाहिए, और ऊपर से भी थोड़े चावल रख देना है। चावल रखने का कारण क्या है? चावल रखना हमें इसलिए है ताकि जब हम तेल इस पर डालें अथवा घी डालें तो हमारी बत्ती जो है आगे पीछे ना हो जाए। कई बार जो है आगे पीछे हो करके घी और तेल डालते समय जो है बत्ती बुझ जाती है, तो इसलिए जो है हमें चावल डाल देना है ताकि जब चावल तेल के माध्यम से अथवा घी के माध्यम से भीग जाएंगे तो वजनदार हो जाएंगे और बत्ती को जो है स्थिर रखेंगे। अब जो है हम इसमें तेल डालेंगे। तेल डालते समय भी एक किनारा देखना है, जहाँ से बत्ती प्रज्वलित है वहाँ से आपको तेल नहीं डालना है। तेल हमेशा जो है पीछे की ओर से आपको डालना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जब भी घी अथवा तेल कम हो जाए तब आपको जो है पीछे की ओर से ही डालना है।
और एक विशेष बात का ध्यान, जो ये दीपक है, मिट्टी का दीपक, अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसको कम से कम 2 से 3 घंटे तक जो है पहले आप पानी में भिगा दीजिए। आइए हम आपको इस दीपक को प्रज्वलित करके दिखाते हैं कि किस तरह से यह प्रज्वलित होगा। बड़ी ही सावधानी पूर्वक और अच्छे से आपको अपने दीप देवता का ध्यान रखना है। अच्छी तरह से प्रज्वलित एक बार कर दीजिए। इसके बाद आपके दीप देवता को किसी भी प्रकार का हवा इत्यादि का प्रकोप ना झेलना पड़े, यह आपकी जिम्मेदारी होती है। अन्यथा दीपक जो है हवा के प्रकोप से बुझ जाता है। चूहे इत्यादि का भी आपको ध्यान रखना होता है। इस तरह से एक बार अगर आप बत्ती बना लेंगे तो यह बत्ती जो है आपकी 9 दिनों तक प्रज्वलित रहेगी। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि घी और तेल आप अच्छी तरह से इसमें डालते रहें। उत्तम क्वालिटी का घी होना चाहिए अथवा उत्तम क्वालिटी का आपको तेल का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद भी अगर आपकी बत्ती में थोड़ी बहुत कालिख जम जाती है, कोयला जम जाता है, तो आपको समय समय पर सावधानी पूर्वक दीपक का कोयला भी निकालते रहना है। आशा करते हैं दीपक से संबंधित यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है, सुझाव है अथवा कोई शंका है तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।